दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है फूल बनने वाली जादुई बहनों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। चंडीगढ़ नाम के एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके दो संतानें थी, राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी साक्षी। उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। उनके राज्य में एक कुसुम नाम की औरत रहा करती थी। उसकी दो बेटियां थीं, एक का नाम था सुनैना और दूसरी का नाम था गौरी। वो दोनों भी बाहर जाकर काम किया करती थीं, लेकिन उनकी माँ उन्हें बाहर काम करने से मना किया करती थी। वो दोनों अपनी माँ को काम करता देखकर बहुत ही दुखी होती थीं। हमें हमारी माँ की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन हम कैसे माँ की मदद कर सकते हैं? अरे गौरी, पिछले साल मैंने जिस जादूगरनी के यहाँ काम किया था, उसने मुझे एक वरदान दिया था कि मैं एक बड़े फूल के पेड़ में बदल सकती हूँ। चलो आज हम उसे आजमाते हैं। उसके लिए मुझे दो पानी के घड़े चाहिए। जाओ तुम जाकर उसे लेकर आओ। उसके बाद गौरी दो पानी के घड़े लेकर आती है। गौरी, अब तुम मेरे ऊपर ये पहले घड़े वाला पानी डालो और मैं एक बहुत बड़े फूल के पेड़ में बदल जाऊंगी। और तुम मेरे फूल बहुत ही सावधानी से तोड़ना। कोई भी पत्ते या टहनी को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है दीदी। उसके बाद सुनैना नीचे बैठ जाती है और मन ही मन में कोई मंत्र पढ़ती है। तब गौरी उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डालती है। देखते ही देखते सुनैना एक फूल वाले पेड़ में परिवर्तित हो जाती है। ये देखकर गौरी बहुत खुश हो जाती है और दो टोकरी भर के फूल बड़ी सावधानी से तोड़ने लग जाती है। उसके बाद गौरी उसके बदन पर दूसरे घड़े वाला पानी डाल देती है। फिर वो वापस से अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाती है। दीदी, ये फूल कौन बेचने जाएगा? मैं और कौन जाएगा? मैं नगर में फूल बेचने के लिए जा रही हूँ। फिर सुनैना राजमहल के बाहर फूल बेचने खड़ी हो जाती है। फूल ले लो, फूल, ताज़ा ताज़ा खुशबूदार फूल ले लो। तभी उसकी आवाज राजकुमारी साक्षी सुन लेती है और साक्षी अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ मुझे एक बहुत सुंदर फूल दिखे हैं। वो बेचने एक लड़की बाहर खड़ी है, क्या मैं उसे महल में बुला लूँ? हाँ बेटा, बुला लो। तभी साक्षी नौकरों को कहकर सुनैना को अंदर बुला लेती है। नमस्ते महारानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमने बुलाया है आपको। जी महारानी जी, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? ये फूल बहुत ही पसंद है राजकुमारी साक्षी को, इसके कितने पैसे लोगी? मैं क्या बोलूँ, हम गरीब लोग हैं महारानी जी, आप जितना भी दोगी मैं उतना ले लूँगी। ठीक है। रानी वो फूल की टोकरी ले लेती है और एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली सुनैना को दे देती है। फिर सुनैना वहाँ से चली जाती है। अब सुनैना भी सोने के सिक्के के मिलने की वजह से बहुत ही खुश है। गौरी भी ये देखकर खुश हो जाती है। अब दोनों प्रतिदिन फूल निकाला करती थी और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थी। राजकुमारी साक्षी भी लगभग हर रोज ही वो फूल खरीदा करती थी। ये फूल हर रोज कौन लाता है? ऐसे फूल तो मैंने कभी नहीं देखे। मुझे इन फूलों का पेड़ देखना है। राजकुमार जी, हमारे यहाँ ये फूल एक लड़की लेकर आती है। मुझे पता नहीं कि वो फूल कहाँ से लाती है, मगर हाँ उसके घर का मुझे पता है। इन सुंदर फूलों का पेड़ तो देखना ही चाहिए। अब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर सुनैना के घर पहुंच जाता है। तभी राजकुमार देखता है कि सुनैना और गौरी अपने बगीचे में जाती हैं।
और सुनैना और गौरी रोज की तरह अपने काम में लग जाती हैं। अंत में वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है और सुनैना की सुंदरता पर फिदा हो जाता है। वो राजमहल आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी आज मैंने एक लड़की को देखा है और वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। आपको कोई लड़की पसंद आई है यानी वो काबिले तारीफ होगी। हम कल ही उसके घर वालों से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। अब महाराज अपने सैनिकों को बुलाकर उसकी माँ को महल आने के लिए बोलते हैं और सैनिक कुसुम के घर जाकर राजा का बुलावा बोलते हैं। गौरी सुनैना जल्दी से बाहर आओ। महल से बुलावा आया है। फूल वाली लड़की कौन है? मुझे कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? तभी गौरी और सुनैना अपनी माँ को उनका फूल बेचने का किस्सा बताती हैं। ये सुनकर उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती हैं और अगले दिन क्या होगा इस चिंता में डूब जाती हैं। अगले दिन सुबह कुसुम राजमहल में गई। तब महाराज और महारानी कुर्सी पर बैठे हुए थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी कुसुम महल में आई। महाराज क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? अरे आइए आइए बैठिए। आज हमने आपको कुछ खास काम के लिए बुलाया है। कैसा खास काम महाराज? हम हमारे राजकुमार अभिमन्यु के लिए आपकी बेटी सुनैना का हाथ मांगना चाहते हैं। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? महाराज हम ठहरे गरीब लोग, हमारी और आपकी बराबरी कहाँ? हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी का मैं संभाल लूँगा। ये तो मेरे लिए गौरव की बात होगी महाराज कि मेरी बेटी आपके यहाँ शादी करके आएगी। तो ये रिश्ता मैं पक्का समझूँ? हाँ महाराज। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार अभिमन्यु और सुनैना की शादी हो जाती है। राजकुमारी सुनैना मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे फूलों से पूरे राजमहल को महका दो। ये आप क्या बोल रही हैं? अरे मुझे सब पता है कि तुम एक फूल का पेड़ भी बन सकती हो। राजकुमार और सुनैना बाग में चले जाते हैं और राजकुमार सुनैना के कहे अनुसार उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डाल देता है और सुनैना एक फूलों वाले पेड़ में बदल जाती है। ये सब देखकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और पूरे राजमहल में फूलों की खुशबू फैल जाती है। राजकुमारी साक्षी भी ये सब कुछ हर रोज छिपकर देखने लगी और मन ही मन उसे जलन होने लगी। ऐसे ही एक दिन उसने महाराज और महारानी की अनुमति ली और सुनैना को लेकर बाहर खेलने जाने लगी। साक्षी तुम इसे बाहर लेकर जा रही हो मगर उसका ख्याल भी रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी। राजकुमारी साक्षी सुनैना को लेकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। अब साक्षी अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती है कि सुनैना कैसे एक फूल के पेड़ में बदल जाती है। वो सुनैना से कहती है, सुनैना भाभी चलो मेरी सहेलियों को तुम एक फूलों वाले पेड़ में बदल कर दिखाओ। क्या फजूल की बातें कर रही हो साक्षी? मैं क्या कोई जादूगरनी हूँ? मुझे सब पता है, अब करती होगी नहीं। मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनैना वो सारे नियम साक्षी और उसकी सहेलियों को समझाती है और गौर से बताती है कि जल्दबाजी में पत्ते और टहनियों को ना तोड़ें। अब सारी सहेलियां सामग्री लेकर आती हैं और सुनैना को नीचे बैठाकर बड़े ही बेढंगे तरीके से उस पर एक घड़े का पानी डालती हैं। देखते ही देखते वो एक फूलों वाले पेड़ में बदल जाती है। अब सारी सहेलियां बहुत ही खुश हो जाती हैं और सभी लड़कियां बहुत ही बदतमीजी से
कोई उस पेड़ के फूल तोड़ता है तो कोई टहनी। टहनी के तोड़ने से सुनैना को बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी जब तक कि उसके ऊपर दूसरे पानी का घड़ा ना डाला जाए। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और सारी सहेलियां जल्दबाजी में पेड़ की और भी टहनियां तोड़ देती हैं। एक सहेली जल्दबाजी में ही उस पेड़ पर एक घड़ा पानी डाल देती है और सारी सहेलियां और साक्षी भी वहां से भाग जाती हैं। और यहां सुनैना फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। सुनैना का पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो चुका था। उसके हाथ और पैरों में काफी ज्यादा चोटें थीं। आखिर में वो एक राह गुजरते बूढ़े बाबा से मदद मांगती है और वो बूढ़े बाबा सुनैना को अपनी बग्घी में बिठाकर उसके घर पर छोड़ देते हैं। उसे इस हालत में देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो उसका इलाज करवाती है। और इधर राजमहल में साक्षी, सुनैना कहाँ पर है? वो नहीं आई? कहाँ छोड़कर आई हो तुम उसे? आज जाएगी खुद ब खुद। महारानी राजकुमारी साक्षी से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। और राजकुमार अभिमन्यु सुनैना को पूरे राज्य में ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन राजकुमार सुनैना के घर के पास से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें सुनैना उसके घर पर दिखाई देती है और वो तुरंत ही उसके पास जाते हैं। मेरी राजकुमारी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें पूरे नगर में ढूंढ लिया मगर तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। कुसुम राजकुमार अभिमन्यु को सारा किस्सा बता देती है। साक्षी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और उसे उचित दंड हो इसका इंतजाम मैं करूंगा। अगर आप साक्षी को माफ कर देंगे तो ही मैं महल में आपके साथ आऊंगी। ठीक है मेरी राजकुमारी। अब राजकुमार सुनैना की बात मानकर उसे अपने राजमहल ले जाता है। साक्षी उससे माफी मांगती है, लेकिन सुनैना ने तो उसे पहले ही माफ कर दिया था। अब महाराज राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी सुनैना को राज अभिषेक कर देते हैं और वो राज्य के नए महाराज और महारानी बन जाती हैं। महाराज अभिमन्यु अपनी रानी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। फूलपुर गांव में तीन भाई बहन माया, पीहू और रोहित अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ सावित्री फूल बेचा करती थी। एक बार की बात है, सावित्री फूल बेचकर घर वापस आ रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है और सावित्री वहीं पर मर जाती है। माँ के मर जाने के बाद तीनों भाई बहन अकेले हो जाते हैं। उनके घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं बचा था। धीरे धीरे करके उनके खाने पीने के भी लाले पड़ने लगते हैं। दीदी, अब क्या होगा? घर का तो सारा राशन खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? तू चिंता मत कर पीहू, अब से हम भी माँ की तरह फूल बेचने जाया करेंगे। ठीक है दीदी, हम भी आपके साथ फूल बेचने जाया करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही तीनों भाई बहन फूल तोड़ने के लिए बाग में जाते हैं, लेकिन वो तभी देखते हैं कि वहाँ के बाग के सारे फूल और पेड़ कट चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है सेठ जी? यहाँ जो बगीचा था वो कहाँ गया? अब ये बगीचा नहीं रहा, यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ा मॉल बनने वाला है। मैंने ये बगीचा बेच दिया है। ये सुनकर तीनों भाई बहन उदास हो जाते हैं और निराश मन से वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरे बगीचे की तलाश में वो लोग जंगल में काफी दूर निकल जाते हैं। दीदी, वो देखो, वो फूल का पेड़ कितना अच्छा है। हम इतने दिनों से फूल बेच रहे हैं, लेकिन हमने तो आज तक ऐसा फूल कभी नहीं देखा।
दीदी चलो उस पेड़ के फूल को तोड़ते हैं। ये फूल तो शहर में अच्छे दाम में बिक जाएगा। तुम ठीक कह रही हो बहन, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। मैंने भी आज तक ये अद्भुत फूल कभी नहीं देखा। चलो चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलकर इसके फूल तोड़ते हैं। तीनों भाई बहन उस पेड़ पर चढ़कर टोकरी भरकर फूल तोड़ने लगते हैं। जब वो जाने लगते हैं, तब उस फूल में से आवाज आती है, रुको तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तीनों भाई बहन रुककर इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी नजर नहीं आता। फिर तीनों भाई बहन चलने लगते हैं। तभी एक बहुत ही खूबसूरत परी उनके सामने आती है और कहती है, घबराओ नहीं, मैं हूँ फूल परी। तुम तीनों भाई बहन मुझे बहुत नेक दिल लगते हो, इसलिए अब से तुम्हें जब भी फूलों की जरूरत होगी तो यहाँ आकर इस फूल के पेड़ से तुम जितना चाहो उतना फूल तोड़ लेना। पर आप फूल से बाहर कैसे आई? मैं फूल परी हूँ। सूर्यास्त होने के बाद ही मैं इस फूल के पेड़ से परी बनती हूँ। बाकी मैं पूरे दिन इस फूल के पेड़ में ही रहती हूँ। मुझे तुम तीनों बहुत नेक दिल लगते हो, इसलिए तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। परी जी, हम तो मेहनत करके खाने वालों में से हैं, और आपने तो हमें हमारे कमाने का जरिया दे ही दिया है। वक्त आने पर हम आपसे अपना वरदान मांग लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोलकर फूल परी वहाँ से गायब हो जाती हैं, और तीनों भाई बहन फूल लेकर उसे बेचने शहर में चले जाते हैं। देखते ही देखते उनके सारे फूल बिक जाते हैं और उन्हें उन फूलों के अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो फूल बहुत अद्भुत और सुगंधित होता है। एक बार की बात है, रानी पद्मावती का बेटा युवराज काफी दिन से बीमार था और उसका इलाज बड़े बड़े वैद्य हकीम भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमार को हुआ क्या है। राजकुमार ना तो किसी से बात करते और ना ही अपनी व्हीलचेयर से उठते थे। तभी गली में से आवाज आती है, फूल ले लो फूल, फूल वाली आई, ताजे ताजे फूल लेकर आई, फूलों की खुशबू ऐसी कि सबको भाई। उन फूलों की खुशबू से पूरा महल महक रहा था। युवराज को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उधर से महारानी पद्मावती हाथों में वही फूल लिए उसके कमरे में पहुंचती हैं। बेटा देखो तो कितना खूबसूरत फूल है, मैंने तो आज तक ऐसे फूल कभी नहीं देखे। ये फूल को देखकर मेरा तो दिन ही बन गया। अब जल्दी से बस तुम ठीक हो जाओ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। तभी युवराज अपनी माँ से बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं, माँ कहाँ है वो फूल बेचने वाले? माँ जल्दी बताओ, मुझे उनसे मिलना है। बेटा वो तो चले गए, पर हुआ क्या मुझे तो बताओ। फिर युवराज अपनी माँ को बताता है, माँ जब मैं जंगल से आ रहा था तब मुझे इसी फूल का पेड़ मिला था। ऐसा फूल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं भी इसे देखते ही इस पर मोहित हो गया था और लालच में आकर मैं इस फूल के पेड़ को कटवा कर अपने महल में लगवाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने उस पेड़ को काटने की कोशिश की, वैसे ही मुझे बहुत तेज झटका लगा और मैं दूर जाकर गिर गया। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उस पेड़ की सारी टहनियाँ तोड़ दी। तभी उस पेड़ ने मुझे श्राप दे दिया और मेरी ये हालत हो गई। बेटा आपको ये बात हमें बतानी चाहिए थी ना? आखिर कोई तो उपाय होगा इस श्राप से छुटकारा पाने का। इससे छुटकारा पाने का उपाय हमें जरूर फूल बेचने वाली उन लड़कियों से ही पता चल सकता है। पूरे राज्य में उन तीनों भाई बहन को ढूंढने के लिए सैनिक लगा दिए जाते हैं और आखिरकार उन तीनों भाई बहन का पता चल जाता है और उन्हें महल में लाया जाता है।
महारानी, हमें इस तरह महल में क्यों बुलाया गया है? हमसे कोई गलती हुई है क्या? फिर रानी पद्मावती उन्हें अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताती हैं। आपके बेटे ने बहुत गलत किया, उसे उसी के किए की सजा मिल रही है, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उससे अनजाने में गलती हुई है, प्लीज उसकी मदद करो। माया और पीहू को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और फिर सभी मिलकर उस अद्भुत फूल के पेड़ के पास जाते हैं और पीहू उस फूल परी को याद करती है। फूल परी कहाँ है आप? बाहर आइए। तभी फूल परी फूल से बाहर आती है। कहो पीहू, तुमने मुझे क्यों याद किया? फिर पीहू फूल परी से युवराज को ठीक कराने की कोशिश करती है। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती, इसने मेरा अपमान किया है। परी जी, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, प्लीज सब भूल कर इन्हें माफ कर दीजिए। परी जी, हरगिज नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। फूल परी, आपको याद है आपने काफी दिन पहले हमें एक वरदान मांगने को कहा था। उस वरदान के बदले में मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप राजकुमार को ठीक कर दें। परी जी, राजकुमार से जो भी गलती हुई है उन्हें उस बात की सजा मिल चुकी है, वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। आप उन्हें माफ कर दीजिए, राजकुमार दिल के बुरे नहीं है। परी जी, ये सुनकर फूल परी राजकुमार को ठीक कर देती हैं और राजकुमार उठकर खड़े हो जाते हैं। हाँ फूल परी, आप नाराज ना हो, हम सदा आपके शुक्रगुजार रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार के ठीक होते ही महारानी पद्मावती बहुत खुश हो जाती हैं और पीहू को राजकुमार के लिए इतनी मेहनत से परी से मिन्नतें करते देखकर रानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। युवराज को भी पीहू बहुत अच्छी लगती है। फिर पद्मावती बहुत ही धूमधाम से युवराज और पीहू की शादी करा देती है, जिसमें फूल परी भी शामिल होती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।